हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैंने रिस्ट वॉच की दो कैन लिए हैं या डब्बे लिए हैं जिसे मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसो लिया है और उसको इस डब्बे के ऊपर अच्छे से लगा दिया है और इसके लिड के ऊपर भी मैं जैसो अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं वाइट कलर का। और उसके बाद में ये जैसो अच्छे से ड्राई हो गया है, फिर उसके बाद मैंने ये पिंक कलर लिया है जिससे, और अब मैं इसको इससे अच्छे से कलर कर लूँगी। और इसी तरह से मैंने ये दूसरे वाले कैन को भी कलर कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर हार्ट बनाऊँगी जिसके लिए मैंने ये तीन शेड लिए हैं। तो कुछ इस तरह से मैं इसके ऊपर हार्ट शेप बना लूँगी। मैंने इस तरह से ये तीनों शेप बना लिए। उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक और गोल्डन कलर के डॉट्स बनाए हैं। और अब इसके ऊपर भी मैं एक हार्ट ही बनाऊंगी, बट थोड़ा ये बड़ा बनाऊंगी और इसको मैं रेड कलर से आउटलाइन कर लूंगी। बाकी इसमें भी मैं छोटे छोटे हार्ट्स और डॉट्स बना लूँगी। अब मैं इनके लीड को भी गोल्डन कलर से कलर कर लूँगी अच्छे से। और उसके बाद जो कैन है उनके जो साइड्स या किनारे हैं उनको भी हम गोल्डन टच दे देंगे। और अब आप अपनी पसंद का इसके ऊपर कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ओनली यू लिखा है। और इसके ऊपर मैं लिखूंगी यू एंड मी। इसे लिखने के बाद जहाँ भी मुझे खाली लग रहा है वहाँ पे मैं फिर और कुछ डॉट्स और बना देती हूँ। और इसी तरह से मैंने इन दोनों लीड के ऊपर भी कुछ ब्लैक और वाइट कलर के डॉट्स बना लिए हैं। और अब मैंने कुछ इस तरह के गोल्डन स्टिकर्स ले लिए हैं। ये किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पर या स्टेशनरी पर ईजिली मिल जाते हैं और मैंने इनके ऊपर दोनों लीड्स के ऊपर स्टिक कर दिए। लास्ट में मैंने ये दो हार्ट शेप के छोटे छोटे स्टिकर्स लिए हैं जिन्हें मैं दोनों लीड के ऊपर अच्छे से स्टिक कर दूंगी। और कुछ इस तरह से हमारे DIY ऑर्गेनाइजर या गिफ्ट बॉक्सेस एकदम यूज करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल